Hey guys, तो आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा चीज़ आने वाला है जिसके लिए मैं बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो किसी भी वक्त वो पार्सल आने वाला है। किसी को नहीं पता कि क्या आने वाला है उस पार्सल में। हमारे साथ बने रहिए, आप लोग देखना, आप लोग भी देखना और इसको भी दिखाने वाली हूँ। चौंक जाएंगे, इसकी सरप्राइज देख चौंक जाएंगे। चौंक ना चौंक तो चौंक जाएंगे आप लोग भी वो पार्सल देख के। तो वो पार्सल आ गया है और मैं अभी जाने वाली हूँ वो रिसीव करने। में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप भी एक्साइटेड हो वो चीज देखने के लिए? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत ही ज्यादा। दोस्त की चीज आ रही है, क्या आ रहा है पता तो चलना चाहिए। कुछ गैस कर सकते हो क्या आ रहा है? कुर्ती आएगा, साड़ी आएगा, ये दोनों में से कुछ एक। कुछ एक सुबह आने के लिए कई बार कॉल करके रिक्वेस्ट करने के बाद भैया आते हैं शाम के 5 बजे। चलो फाइनली आते तो है। ये सब छोड़ो, टैन टन ये आ गया था मेरा iPhone 15 क्योंकि मैंने लिया था अपने पेरेंट्स के पैसों से, इसलिए मुझे खुशी से कई गुना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। पहले मैं iPhone 13 लेने वाली थी लेकिन लास्ट मिनट में कुछ तो हुआ, प्लान चेंज हो गया पूरा और मैंने ऑर्डर कर दिया था iPhone 15। और इतना एक्सपेंसिव फ़ोन हाथ में पहली बार लेके, आप लोग ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा मेरा हाथ लिटरली कांप रहा था। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ उस दिन का मेरा फीलिंग, मेरे अंदर ना मिक्स्ड इमोशन काम कर रहा था। मतलब सबसे ज़्यादा गिल्टी ही फील हो रहा था मुझे। मतलब मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे उस दिन मेरा शादी था, पर नहीं, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा है। और इधर मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी छत पे था तो मैं मम्मी को फ़ोन दिखा रही थी, और इधर मैं अपने दादी को फ़ोन दिखा रही थी कि देखो दादी मैंने लिया। दादी बोल रहा था तूने तो 2 साल पहले ही एक नया लिया था, अभी फिर से ले लिया। और ये सुन के मुझे और भी ज़्यादा गिल्ट फील होने लगा। और उस दिन मेरे घर पे मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त आई हुई थी, मैं सोचा कि उसको भी दिखाती हूँ और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर फ़ोन को ले जाती हूँ मैं अब हमारे मंदिर पे, घर का मंदिर पे, और उधर रख के मैं प्रणाम करती हूँ। फिर फ़ोन को बैग के अंदर घुसा के मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ती हूँ और एक मंदिर जाने के लिए। और मैं बहुत संभाल के ले जा रही थी फ़ोन को बैग के अंदर घुसा के, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि कहीं चोरी ना हो जाए। फिर मैं फ़ोन को उधर थोड़ा सा रख के पूजा वूजा कर रही थी मंदिर के अंदर ही। मम्मी कहीं तो गई थी जहाँ उनको सम्मानित किया गया था, तो मम्मी जस्ट घर लौटी थी, पापा भी घर पे था, तो मैं बोला कि खड़े हो जाओ मुझे पिक्चर लेना है क्योंकि मैं इस फ़ोन से पहला फ़ोटो इनका ही लेना चाहती थी। चलो टाटा बाय बाय।